जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 हिंदी माध्यम फिजिक्स वैद्युत क्षेत्र एवं आवेश वाले चैप्टर के अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग वैद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या है आप ध्यान पूर्वक समझें। देखें, हम पिछले वीडियो में आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में बताया था, तो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से ही संबंधित वैद्युत फ्लक्स की डिफिनीशन है। ध्यान दीजिए, किसी वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई तल है तो इस तल से होकर के गुजरने वाले क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही ध्यान देना। हम आपको बतलाने जा रहे हैं वैद्युत फ्लक्स के बारे में। देखो बेटा, वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत किसी तल से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से प्रदर्शित किया जाता है। और हम आपको बता दें कि अगर वैद्युत क्षेत्र ई हो, लेकिन सुनिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसको वेक्टर ई से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और यहां पर एक क्षेत्रफल सदिश की कल्पना की गई है। क्षेत्रफल सदिश, अगर पृष्ठ का हम अल्पांश क्षेत्रफल, देखिए अगर संपूर्ण क्षेत्र क्षेत्रफल लेंगे तो ए होगा, और अगर हम अल्पांश क्षेत्रफल लें तो डीए हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर क्षेत्रफल सदिश की कल्पना की गई है, यानी क्षेत्रफल भी सदिश राशि होती है जिसको हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई हो और इस पृष्ठ का अल्पांश क्षेत्रफल सदिश वेक्टर डीए हो, तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट ले लें, क्लास 11th में आप डॉट प्रोडक्ट पढ़े होंगे, ए डॉट बी, तो अगर डॉट प्रोडक्ट हम ले लें तो वैद्युत फ्लक्स इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। और ऐसा तब होता है जब हम छोटा सा पृष्ठ लिए हो, लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ लेना हो तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम समाकलन ले लेते हैं। तो याद रखे रहिएगा, वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, और एक चीज बता दें, जब हम संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं तो पृष्ठ क्षेत्रफल सरफेस एरिया ए होता है, तो इसको हम कहेंगे पृष्ठ समाकलन। ये तो समाकलन का चिन्ह है, लेकिन अगर उसके साथ हम ए लगा दें तो ये पृष्ठ समाकलन हो जाएगा। तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू पृष्ठ समाकलन या सरफेस इंटीग्रल हम कर सकते हैं।
सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए, जहां वेक्टर ई चुंबकीय सॉरी वेक्टर ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और डीए वेक्टर डीए क्षेत्रफल सदिश है। और याद रखिएगा, इस फार्मूले का यूज हम तब करते हैं जब पृष्ठ खुला हो, लेकिन अगर पृष्ठ बंद हो तो यही फार्मूला चेंज हो जाता है। फाई ई इज इक्वल टू, देखें होता तो वही है, यानी यहाँ पर वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए होगा, लेकिन अगर बंद पृष्ठ हो, कोई साइक्लिक सरफेस हो, तो उस स्थिति में यहाँ पर समाकलन लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये वृत्त दिखा देते हैं, तो इसको कहते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल, बंद समाकलन। ये बंद समाकलन है तो इसको याद रखना होगा। तो वैद्युत फ्लक्स इसके भी इक्वल होता है, वैद्युत फ्लक्स इसके भी इक्वल होता है। अगर पृष्ठ खुला हो तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला ये होगा, और अगर पृष्ठ बंद हो तो वैद्युत फ्लक्स के लिए फार्मूला ये होगा। अब हम जरा ध्यान पूर्वक देखें कि वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए की वैल्यू क्या हो सकती है। आप पढ़े हैं क्लास 11th में कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, अगर वेक्टर ए का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए हो, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी हो, और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो इसी फार्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे, वेक्टर ई का परिमाण ई हो, वेक्टर डीए का परिमाण डीए हो, और बीच का कोण थीटा हो, तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए इज इक्वल टू ई इंटू डीए कॉस थीटा होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब अगर हम यहाँ पर फाई ई की वैल्यू लें, देखिए फाई ई की वैल्यू निकालें, तो क्लोज्ड इंटीग्रल बंद समाकलन, और अगर क्लोज्ड इंटीग्रल हम नहीं लेते हैं तो हम सरफेस इंटीग्रल ले सकते हैं, जैसे चाहे वैसे करें। बस याद रखे रहिएगा कि सरफेस अगर ओपन होगा तो सरफेस इंटीग्रल लेंगे, अगर सरफेस क्लोज्ड होगा तो क्लोज्ड इंटीग्रल लेंगे। और ये हो जाएगा, इसके जगह पर हम लिख देंगे ई डी ए कॉस थीटा, और फिर देखिए फाई ई इज इक्वल टू, ये जो ई है ये कॉन्स्टेंट है, ई भी कॉन्स्टेंट है, कॉस थीटा भी कॉन्स्टेंट है, ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, और हम सरफेस इंटीग्रल डीए लेते हैं। तो डीए का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, पृष्ठ का छोटा सा क्षेत्रफल, और जब इंटीग्रल ले लेते हैं तो इंटीग्रल लेने का मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो अब हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल डीए के जगह पर ले सकते हैं ए। डीए का मतलब होता है छोटा सा क्षेत्रफल और ए का मतलब पूरा क्षेत्रफल। तो जब छोटे क्षेत्रफल का पृष्ठ समाकलन हम करेंगे तो यह वैल्यू संपूर्ण क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगी, और इस प्रकार फाई ई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा, और इसके जगह पे हो जाएगा ए, यानी फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए।
कॉस थीटा, यह एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूले को आप सभी लोग अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे कि वैद्युत फ्लक्स फाई ई इजकल टू ई ए कॉस थीटा होता है, जहां ई वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का परिमाण है और ए पृष्ठ क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है, और थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अगर दोनों की दिशा एक ही हो, अगर ई और ए दोनों की दिशा एक ही हो, तो जब दिशा एक होती है तो इनके बीच बनने वाला कोण 0 डिग्री का होता है। अब हम 0 डिग्री यहाँ रख देते हैं, तो फिर फाई ई इजकल टू ई ए और ये हो जाएगा कास 0। आपको पता है कि कास 0 की वैल्यू 1 होती है, तो फाई ई इजकल टू हो जाएगा ई ए, यह भी एक फार्मूला होगा। अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स का एस आई पद्धति में मात्रक निकालेंगे, फिर एम के एस ए पद्धति में मात्रक निकालेंगे, फिर इसकी विमाएं निकालेंगे। तो चलें, ई वैद्युत क्षेत्र है और आपने देखा था ई इजकल टू एफ बाई क्यू, एफ न्यूटन, क्यू कूलाम, न्यूटन पर कूलाम, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आपने न्यूटन प्रति कूलाम देखा था, और ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो एस आई पद्धति में वैद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, या इसको न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम भी लिख सकते हैं। और अगर हम इसका एम के एस ए पद्धति में मात्रक देखना चाहें, तो देखिए यन न्यूटन है, न्यूटन एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम किलोग्राम, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी न्यूटन के जगह पे ध्यान दीजिएगा, न्यूटन के जगह पर हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये तो मीटर स्क्वायर है ही है, ये क्यू कूलाम है, कूलाम क्यू इजकल टू आई इंटू टी होता है, यानी कूलाम जो होगा एम्पियर सेकंड के इक्वल होगा, तो कूलाम के जगह पर एम्पियर इंटू सेकंड हो जाएगा। और फिर क्या होगा बेटा, ये देखिए किलोग्राम मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर मीटर क्यूब, और नीचे सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड सेकंड का क्यूब, और ये हो जाएगा एम्पियर। अब अगर इसको हम ऊपर ले जाएं, तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड ऊपर जाएगा -3 और ए इनवर्स। तो ध्यान दीजिए, वैद्युत फ्लक्स का एम के एस ए पद्धति में आपने मात्रक देखा, किलोग्राम मीटर क्यूब, सेकंड टू द पावर -3 और फिर ए इनवर्स। अब अगर यहाँ से इसकी विमाएं हम निकालना चाहें, या वैद्युत फ्लक्स फाई का, फाई ई का विमीय सूत्र लिखना चाहें, तो देखें इसका विमीय सूत्र क्या होगा, इसको आप ध्यान से देखें। विमीय सूत्र या विमाएं भी लिख सकते हैं, देखिए ये किलोग्राम है, तो किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान की विमा हो जाएगी यम, यम मीटर है, मीटर लंबाई का मात्रक है, लंबाई की विमा होती है एल, और क्यूब यस सेकंड है, तो सेकंड समय है, समय की विमा टी -3 और ये एम्पियर ए इनवर्स हो जाएगा। तो इस प्रकार ये वैद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र भी मिला, एम एल क्यूब टी -3
ए इनवर्स, इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से आप तैयार रखे रहेंगे, क्योंकि ये टर्म्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। बोर्ड के एग्जाम में तो आते ही हैं, ये कंपटीशन में भी आते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, ये सब चीजें आईआईटी जीपीएमटी नीट वगैरह में भी पूछे जाते हैं। तो इन सबको अच्छी तरह से तैयार रखना है, और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वैद्युत फ्लक्स अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक इसको शेयर करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ पढ़ने वाले वीडियो आप तक पहुँच सकें और पूरा फिजिक्स आपका अच्छी तरह से तैयार हो सके। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।